हेलो फ्रेंड्स, जारा बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइड की जो सिलाई होती है उसे लगाने के बाद जो अक्सर नाप बढ़ जाता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो ये सीखने और समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है, हम जब मेजरमेंट रखते हैं तो ये पूरा आपको पता ही है, जब आप कटिंग करते हैं तो ये 7 इंच और 7 इंच पे हमारी चेस्ट का निशान होता है, आर्म और लेंथ भी कहते हैं हम इसको, 14.5 पे हमारा कमर का निशान होता है और 21.5 पे हमारा हिप का निशान होता है। तो अक्सर क्या करते हैं, हम यहाँ पे निशान लगा दिया और निशान लगाने के बाद ये हमारा हाफ मेजरमेंट है, आप देख सकते हैं 18, 15.5, 18.5, ये तैयार नाप है। तो हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से सीधा ऐसे रखते हैं, 18 का आधा 9 इस तरीके से निशान लगा दिया, 15.5 का आधा 7.25 इसको निशान लगा दिया, 18.5 का 7.25 हमने यहाँ निशान लगा दिया, फिर उसको हम 6.5 से ऐसे निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे निशान हो गए। अब मेन होता है, कटिंग तो हो गई लेकिन बनाने में जो गड़बड़ होती है, अक्सर मेरे से भी होती थी, ठीक है, तो वो क्यों होती है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मैं सिर्फ एक पल्ले को लेता हूँ और इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि हमारा ये निशान है, तो हम क्या करते हैं, उंगली ऐसे रखने के बाद इस तरीके से निशान लगा लेते हैं, नहीं तो हमारे पास ये घरारी होती है, इससे भी हम निशान लगा लेते हैं जिससे कि दूसरी तरफ निशान दोस्तों आ जाता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखाता हूँ और पीछे निशान उठा के भी दिखाऊंगा। अब ये निशान लगा दिया, अब देखिए आप पूरे निशान दिख रहे हैं आपको क्लियर, मैं इस पर एक बार निशान चौक का लगा लेता हूँ। ये देखिए, चौक का निशान हमने लगा लिया। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा फिटिंग करके। तो फिटिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका, जैसे कि हम अपनी कोई भी कमीज की साइड जोड़ते हैं तो इसमें भी हम वैसे ही कमीज की साइड को जोड़ेंगे। तो जैसे कि हमने ये वाला हिस्सा ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, गले वगैरह बना के कंधी जोड़ ली, और किसी किसी की आदत होती है गले बाद में बनाते हैं, पहले वो साइडों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कमियां हो जाती हैं वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए मशीन पे आपको ये सिलाई लगा के मैं दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे सिलाई लगाते हैं, हम इसको ऐसे रख के यहाँ पक्का करेंगे और जैसे सिलाई हम लगाते हैं बिल्कुल वैसे लगाने का तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर जो गलती है वो आपको पता चल जाएगी, और ये गलती मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं है कि आपसे ही होती, मेरे से भी गलती होती है। तो आप देखिए, यहाँ मैं सिलाई लगा रहा हूँ, यहाँ मैंने पक्का कर दिया इसको, ठीक है। पक्का करने के बाद यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिलाई भी लगा देते हैं, जैसे कि सूट लूज टाइट करने के लिए पहले से पहले हम लगा देते हैं, और इसको हिप पे लाके मिला देते हैं। ये हिप वाला निशान है जहाँ से हम चाक फोल्ड करते हैं। तो बस मेरे को समझाना था, इसलिए मैंने पूरी कमीज कटिंग नहीं करी, सिंपल जितना कपड़ा बचा हुआ होता है हमारा और वीडियो का वो हम यूज़ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो देखिए, हमने 2 सिलाई लगा ली, सेम सिलाई आपको भी इसी निशान पे यहाँ पे लगा लेनी है जैसे हम लगाते हैं हमेशा। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली, अब आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ये अल्ट्रेशन के लिए आता है आपके पास, तो आप इसके आर्महोल भी खोलोगे, और अगर हिप पे अल्ट्रेशन आ गई लूज़ की, तो आप क्या करोगे, हिप के चाक की तुरपाई खोल के दबाओगे, फिर सिलाई खोलोगे, फिर दोबारा से फोल्ड करके चाक को तुरपाई करोगे। ऐसी अल्ट्रेशन करने के लिए कम से कम आधा घंटा आपका ख़राब होता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, है छोटी सी चीज़ लेकिन अगर आप समझ लोगे ना तो आपके बहुत काम आएगा, और फिटिंग एक ही बार में दे दोगे आप। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये कपड़ा मेरा जो है वो है लीजी बिजी। आजकल के जो कॉटन के कई कपड़े आ रहे हैं वो क्या होते हैं, या तो आप कस्टमर से वॉश करवा के बनाएं, लेकिन फिर भी उसमें खिंचाव होता है इस तरीके का बहुत ज़्यादा। नहीं तो कई कपड़े ऐसे होते हैं जो कस्टमर वॉश करके नहीं लाते, आप नॉर्मल बना देते हो, ठीक है, और बनाने के बाद अगर वो पहनते हैं तो उनको अगर पसीना भी आता है तो उसके रेसे जो है खुल जाते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी बुटीक पर खुद देखी है, और जब खुल जाता है फिर वो दोबारा वॉश करके देके जाते हैं तो और ज़्यादा खुल जाता है। तो जो सूट होता है वो लूज़ हो जाता है। अब लूज़ क्यों होता है, और लूज़ होने के कारण क्या प्रॉब्लम होती है, तो लूज़ अगर आपका ऊपर की साइड से हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो बाजू की साइड है यहाँ पे ऐसे झोल पड़ेगा, ये वाली साइड झोल पड़ेगी और कंधे गिरने लगेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ का एक सोल्यूशन है ये सिलाई। तो ये सिलाई को आपको कैसे लगाना है, तो ध्यान से देखें और समझें। यहाँ पर देखिए, मैंने सिंपल निशान लगाया और इस पर निशान नापा नहीं, कुछ नहीं करा, सिलाई लगा दी। जैसा कि हर कोई, मैं कह रहा हूँ 90% लोग पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से सिलाई लगाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इंची टेप रखने में। तो अभी टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ा सा बाद में वो आधे आधे घंटे के लिए परेशान होते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, 18 इंच यहाँ पे मेजरमेंट है, अब हम इसको इंची टेप को ऐसे रखेंगे, अब यहाँ पे हम 18 इंच नापते हैं। तो दोस्तों, कितना मेजरमेंट आ रहा है आप देखना खुद ही, ये हमारा थोड़ा कपड़े में भी खिंचाव होता है ना, हमें खिंचाव देखना होता है कपड़े का। दोस्तों, कितना आ गया 18 से, ये आ गया आपका डबल में 18.5। अगर आपका डबल में 18.5 है, टोटल में ये आपका 18 × 36, ठीक है, और 18.5 नाप है तो उसका दूना 37, यानी कि 1 इंच आपका साइज यहाँ पे बढ़ गया।
तो ये लूज़ हो गया। इसी तरीके से कमर का 15.5 का निशान है। तो देखियो, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप पास से देखिए, जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल चौक पे निशान लगाते हैं। जब सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा 19-20 हमारा निशान अगर सही भी लगा होता है ना, तो कभी कभी सिलाई लगाते वक्त भी फ़र्क पड़ जाता है। हमें क्या पता कि हम बिल्कुल परफेक्ट लगा रहे हैं, कभी कभी सिलाई ओके भी आती है। तो यहाँ पे हमारा 15.5 नाप है, आप ध्यान से देखो, इंची टेप मैंने ऐसे ही रखा है। और मैं देखिए बिल्कुल भी इसे तो खींच भी नहीं रहा हूँ, तब भी आप देखें इंची टेप से 15.5 नाप है, तो एक पैर एक सूत यानी कि आधा इंच में ये बढ़ा है। और हल्का सा अगर खींचूँगा ना तो ये आपका 16 इंच एक सूत हो रहा है। तो यानी कि ये कितना मेजरमेंट बढ़ गया आपका, ये मेजरमेंट आपका बढ़ गया 0.25 इंच, 1.5 इंच कमर लूज़ हो गई। अब हिप का निशान 18.5 है, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा हिप बिल्कुल ओके निशान है, यहाँ भी ओके है, लेकिन 18.5 निशान है। तो आप इससे पकड़ के नापें तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारा 0.19 है हल्का खींचने पर, क्योंकि जब बॉडी में जाएगा तो खींचेगा, कोई कॉटन का होगा उसका रेसा खुल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लूज़ हो जाएगा और हिप में कान निकलेंगे, जो कि कस्टमर कहेगा बहुत अजीब है। और कई कई कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं सीधा छूटते ही हमारा आपने सूट ख़राब कर दिया, तो बहुत अजीब सा हमें लगता है, क्योंकि ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो ये चीज़ ठीक कैसे होगी, ये चीज़ ठीक ऐसे होगी, जब आप कभी भी सिलाई लगाने जाएंगे तो पहले ही पल्ले पे आपको इस तरीके से नाप लेना है। अब जैसे हमने 18.5 नाप लिया, तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में रख लो कि यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा है, नहीं तो यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे मेजरमेंट ये आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कमर का मेजरमेंट लीजिए, यहाँ पर भी लिख लो कि इतना बढ़ के आ रहा है। अगर आपका प्रॉपर आ रहा है अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपका लगता है कि यहाँ पे बढ़ के आ रहा है तो वो ना पूरा लिख लो, क्योंकि किसी किसी उसमें लाइनिंग वालों में, एक चीज़ और बता रहा हूँ, लाइनिंग वालों में यही सिलाई जब आप लगाओगे तो ये जो लूज़ वाला शिकायत आ रही है ना, लाइनिंग वालों में 18 की जगह 0.25 हो जाता है, यानी वो टाइट की शिकायत आ जाती है। तो मैं आपको सिंपल यही चीज़ समझानी थी इस वीडियो में, कि कोई भी आप सिलाई जब साइड के लगाते हैं तो आप इंची टेप पहले रख लिया करो, या सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई लगा लो उसके बाद इंची टेप रख लो, जिससे क्या होगा, अगर थोड़ा खोलना भी होगा आपको तो आप अभी हैंड टू हैंड खोल दोगे, बाद में अल्ट्रेशन का कोई सवाल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो थी, मतलब जो मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।